हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू एवरस्टडी क्लासेस। तो एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारी 5 मिनट सीरीज के अंदर, जिसमें हम रेगुलरली इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कवर अप कर रहे हैं यूजीसी नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट से रिलेटेड। तो आज जो हम इस सीरीज में टॉपिक कवर अप करने वाले हैं वो है ट्रिपल बॉटम लाइन का टॉपिक। ट्रिपल बॉटम लाइन में क्या चीजें आती हैं और क्यों ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, सब देखेंगे इस वीडियो के अंदर। तो चलिए आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको जल्दी से हमारे कोर्सेज के बारे में बता देता हूं। तो हमारे पास नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट दोनों के लिए कोर्सेज अवेलेबल हैं। हमारे पास एक फ्री कोर्स है जिसमें आपको समरी नोट्स मिलेंगे नेट कॉमर्स और मैनेजमेंट के सभी यूनिट्स के ऊपर। उसके अलावा हमारे पास यूनिट वाइज पास्ट ईयर पेपर्स का कोर्स है, जिसमें आपको नेट कॉमर्स के जो प्रीवियस ईयर पेपर्स हैं वो आपको सॉर्टेड मिलेंगे एज पर दी लेटेस्ट सिलेबस, और साथ ही उनकी डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दी जाएगी। अराउंड 1500 क्वेश्चंस इसमें कवर अप किए जाएंगे। इसके अलावा हमारे पास कंप्यूटर बेस्ड कॉम्प्रिहेंसिव टेस्ट सीरीज है कॉमर्स और मैनेजमेंट की, जिसमें आपको 2100 MCQs मिलेंगे इन द फॉर्म ऑफ टेस्ट सीरीज, और उन्हें बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव मैनर में कवर अप किया जाएगा इंक्लूडिंग देयर डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन। उसके अलावा हमारे पास जो भी कॉमर्स के सिलेबस में अभी रिसेंटली नए टॉपिक्स ऐड हुए हैं उसके ऊपर एक वीडियो कोर्स है, जिसमें आपको सारे जो नए टॉपिक्स हैं उनको वीडियोस प्लस नोट्स प्लस एमसीक्यूज के थ्रू कवर अप करवाया जाएगा। और अगर आप सारे टॉपिक्स नहीं लेना चाहते, आप सिर्फ लीगल एस्पेक्ट्स ऑफ बिजनेस का कोर्स है वो भी इंडिविजुअली ले सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, अगर मैं ट्रिपल बॉटम लाइन की बात करूं तो सबसे पहले हमें किसका मतलब पता होना चाहिए, हमें मतलब पता होना चाहिए बॉटम लाइन का। बॉटम लाइन क्या होता है? बॉटम लाइन का मतलब होता है कंपनी की नेट इनकम, जो कि उसकी प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में या फिर उसकी इनकम स्टेटमेंट में रिपोर्ट की जाती है। तो उसके बॉटम में ये रिपोर्ट की जाती है इनकम, इसीलिए इसे कहते हैं बॉटम लाइन। और ये इसलिए जरूरी होती है कि इसे देख के हम कंपनी की हम प्रॉफिटेबिलिटी या फिर कंपनी की ओवरऑल हेल्थ का जो है वो जायजा ले सकते हैं। हम ओवरऑल कंक्लूड कर सकते हैं कि कंपनी ठीक से काम कर रही है या फिर नहीं कर रही। अब 1994 के अंदर जॉन एल्किंगटन, इन्होंने एक नया फ्रेज कॉइन किया। क्या फ्रेज कॉइन किया? ट्रिपल बॉटम लाइन। उन्होंने कहा कि बॉटम लाइन में प्रॉफिट्स तो देखते ही हैं हम कंपनी को देखने के लिए, बट कंपनी को जांचने के लिए, कंपनी को असेस करने के लिए आप तीन बॉटम लाइन का यूज करो, आप केवल एक बॉटम लाइन का यूज मत करो। उन्होंने बताया कि ट्रिपल बॉटम लाइन मींस वी हैव टू मेजर द प्रॉफिट्स, सो वी हैव टू मेजर द प्रॉफिट्स, बट ऑल्सो एट द सेम टाइम वी हैव टू मेजर द इम्पैक्ट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑन पीपल एंड द प्लैनेट। So, besides considering the profits, we should also consider the impact of the organization on the people associated with it and on the planet on which the organization is functioning. So, very important, we have to remember the three P's of triple bottom line. So, we have to keep this picture in our mind at any cost. So, there are three P's of triple bottom line. First one is people. Second one is planet. And the third one is profit. So now we are no longer restricted to a narrow view, which is just of comparing the profits of the company. Now we have a wider view, which not only comprises these profits, but also the impact on the planet and the people. Now let's briefly learn about the three P's. So first one, as we have already seen, is the people. Now people, what does this comprise of? Now this concept says that when we talk about the people, तो हमें क्या सोचना है? हमें सोचना है कि इम्पैक्ट क्या होगा कंपनीज का, जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हुए हैं उन पे। तो कंपनी जो भी एक्शन लेगी तो उसका क्या इम्पैक्ट होगा उन लोगों पे जो भी कंपनी के साथ जुड़े हैं। तो हो सकता है कंपनी के साथ कोई फार्मर जुड़ा हो जो कि कंपनी को रॉ मटेरियल सप्लाई कर रहा है, और जो भी कंपनी के बड़े बड़े ऑफिशियल्स हैं जैसे सीईओ है, सीएफओ है, उन पे भी क्या कंपनी का इम्पैक्ट हो रहा है। तो हमें उन सबको कंसिडर करना है। तो जो भी लोग कंपनी के साथ जुड़े हैं हमें उन सबको कंसीडर करना है इस कंसेप्ट के अंदर। तो हमें ये इंश्योर करना है कि जो भी हमारे साथ लोग जुड़े हैं, जो हमारे इंप्लॉयज हैं, उनको हम प्रॉपर हेल्थ केयर दें, प्रॉपर उनके वर्किंग आवर्स हों, उनके लिए सेफ प्लेस हो काम करने के लिए, उनके लिए हेल्दी अपॉर्चुनिटीज हों डेवलपमेंट के लिए, एडवांसमेंट के लिए, और हम अपनी जो लेबर फोर्स है उसे एक्सप्लॉइट ना करें, हम चाइल्ड लेबर का जो है वो यूज ना करें, और उनको प्रॉपर वेजेस जो है लेबर को प्रोवाइड करें। और नेक्स्ट आता है प्लैनेट। प्लैनेट का मतलब ये है
कि हमें देखना है कि जो हम एक्टिविटीज कर रहे हैं, जो कंपनी अपने ऑपरेशंस कर रही है, उसका कोई नेगेटिव इम्पैक्ट ना पड़े हमारे प्लैनेट के ऊपर, तो हमारी अर्थ के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं होना चाहिए। हमें क्या कोशिश करनी चाहिए? हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम अपना जो इकोलॉजिकल फुटप्रिंट है, जो हमारी एमिशंस हैं, जो हम कार्बन डाइऑक्साइड या फिर अदर गैसेस को एमिट कर रहे हैं, उन्हें हमें कंट्रोल रखना है। हमें जो है गोइंग ग्रीन की तरफ जाना है, हमें ग्रीन प्रिंसिपल्स को अपनाना है, हमें टॉक्सिक वेस्ट को ठीक से डिस्पोज करना है या फिर कम से कम जनरेट करना है, एनर्जी यूजेज को कंट्रोल करना है और ज्यादा से ज्यादा रिन्यूएबल एनर्जी सोर्सेज का जो है वो हमें यूज करना है। और उसके अलावा प्रॉफिट्स तो हमें देखने ही है, तो हमें यह भी देखना है कि कंपनी एडिक्वेट प्रॉफिट्स कमाए जिससे वो सारी कम्युनिटी, जो भी अपने स्टेक होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स हैं, जो उसके एम्प्लॉयज हैं, उसके टॉप मैनेजमेंट में लोग हैं, उनके इंटरेस्ट को भी फुलफिल कर सके। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन है, आप इसे अटेम्प्ट कीजिए और अपने आंसर्स हमें कमेंट्स के थ्रू बताइए। फ्रेंड्स, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे जरूर लाइक करना, हमारे चैनल को अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, और इसके साथ बेल आइकन जो है उसे जरूर प्रेस करना ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलती रहें, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करना ताकि आप ज्यादा से ज्यादा नॉलेज को शेयर कर सको। और अगर आपकी कोई क्वेरी है, आप हमें मेल कर सकते हैं, फेसबुक पेज को ज्वाइन कर सकते हैं, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं, या फिर हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं इस नंबर के ऊपर।